रुपए लेके चले। 100 रुपए में देखे चुपचाप दे दिए, छोड़ देते भोपाल पुलिस। अभी मेरे सामने अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। वीर सवाकर चौराहे पर हमें यहाँ छोला मंदिर के पीछे से जो रास्ता जाता है नांद्रा के लिए बस स्टैंड के लिए, उसी रास्ते पे दिखा रहे हैं। पीछे सिंधी कॉलोनी भी है, पर यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन की चेकिंग चल रही है लगातार। भोपाल में जो चेकिंग चल रही है, आम जनता बाहर निकली है 3 महीने के लॉकडाउन में, उसी लॉकडाउन को लेकर कितनी जनता परेशान है और पुलिस प्रशासन की क्या चेकिंग चल रही है भाई, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा, आप लोग खड़े, आप इधर आइए। आपको रोका गया, आपका क्या नाम है? सीताराम कुशवाहा। आप कहाँ से आए? छोटालिया। छोटालिया कहाँ से? राजगढ़ से। राजगढ़ जिले से। तो आप राजगढ़ से यहाँ तक आए तो पुलिस प्रशासन क्या कह रही है, किस लिए पूछा जा रहा है? मेरे पास गाड़ी भी है, कागज भी है, हेलमेट भी लगा के आया हूँ। तो कोरोना के चक्कर में नंबर का कागज अभी 2 दिन पहले दिया है शोरूम वाले, इसलिए उस पर नंबर नहीं लिखवाए मैंने जी। और 24 नंबर सब मिला लिए, इसके बाद भी गाड़ी को नहीं निकलने दे रहे। सब डॉक्यूमेंट मिला लिए? मिला लिए सब डॉक्यूमेंट मेरे, ये ड्राइविंग लाइसेंस है सब है मेरे पास। तो आम जनता खड़ी है बार बार पुलिस प्रशासन की ये चेकिंग हो रही है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? उसको अपनी आप राय दे सकते हैं, आप भी आम जनता है, क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? क्या है जो रास्ते में अवैध रूप से पार्किंग है उस पर साधन कार्रवाई नहीं करती। हाँ। कुछ चलते फिरते गाड़ियों को कार्रवाई करती है और चलानी कार्रवाई करती है। और एक विशेष बात यह है कि आप टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है हम लोगों से, सड़क का मेंटेनेंस नहीं करती है, उससे आए आम दे मतलब हर घंटे कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का 1 रुपये वो है जुर्माना, और आम जनता के लिए 500 रुपये लेते हैं, क्या है मतलब कानून इस देश का? आपको एक सवाल पूछेंगे, आप तो आम जनता है, 3 महीने बाद जनता बाहर निकली है और 3 महीने बाद लोग बेहाल है, परेशान है, बेरोजगार। मेरे सामने 2 लोगों को 100-100 रुपए ब्लैक में पुलिस वालों ने जेब में धर के, कितने रुपए लेके चले? 100 रुपए में देखे चुपचाप दे जेब में धर के, छोड़ देते भोपाल पुलिस। अभी मेरे सामने अभी छोड़ा है। आपके सामने क्या, आप ये बात क्या सही कह रहे हैं? आप वो तो उनके सामने घटना घटी है तो वो जानकारी दे रहे हैं, उसमें आरोप लगा रहे हैं, सही है आप क्या कह रहे हैं? 100-100 रुपए में देवे 2 गाड़ी छोड़ गए, वो देख लो सर उधर। तो यहाँ जनता का कहना है कि पैसे लेके छोड़ दिया जाता है भोपाल पुलिस, क्या आपको लगता है कि भोपाल पुलिस जनता से पैसे लेके छोड़ देती है? तो ये तो भ्रष्टाचार मचा हुआ कहा जाए एक हिसाब से, तो जनता परेशान है और इनकी लगातार हर चौराहे पर चेकिंग की जा रही है। भी सवाकर चौराहे के पास भी हम आए थे और लोगों को भी रोका गया है, उनसे भी जानकारी लेते हैं हम जी। यहाँ बाइक पर खड़े हैं भैया, इनको भी रोका गया, किस लिए रोका गया, क्यों परेशान किया जा रहा है आपको जी? कंपनी से वो सब बोल रहे हैं लाइसेंस का, लाइसेंस अप्लाई करा, जो अप्लाई हुए लॉकडाउन में गाड़ी उठाई थी लॉकडाउन से पहले, तो अप्लाई करा लाइसेंस बनने की तैयार हुए। डेली डेली चेकिंग हो रही भोपाल में, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी अप्लाई करा है ना लाइसेंस का, नहीं डेली चेकिंग हो रही है, आप क्या कहोगे इसके लिए? अब उसके क्या कर सकते हैं इंसान, वो ना गलत लोग पढ़ते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपन? तो देख सकते हैं कि बसें जा रही हैं, बसें भी भोपाल में चालू हो चुकी हैं, ये भी आप देख लें एक नज़ारा। तो आम जनता खड़ी है, उनको रोका जा रहा है, जानकारी ली जा रही है, जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, जनता कैसे निकली है, कितनी बेहाल है, कोरोना महामारी चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बड़े या कम है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शासन की जो गाइडलाइन है, चेकिंग की जा रही है, पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट दिखाओ, चालान कटाओ, नहीं तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, कोर्ट पहुँचाया जाएगा, ऐसे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भोपाल में चल रही है। आप और कुछ कहना चाहते हैं? आप काफ़ी भोपाल में रह रहे हैं, बात जानकारी है वो ठीक है जो आप कार्रवाई देख रहे हैं भोपाल में गड्ढों को लेकर, आप क्या कहोगे भोपाल में इतने बड़े गड्ढे? जब ये साधन टैक्स ले रही है हमसे, साधन जुर्माना वसूल कर रही है, ये सड़क का रिपेयरिंग भी तो करना साधन की काम है, रिपेयरिंग तो नहीं की जा रही, लेकिन ये गाड़ियों की रिपेयरिंग के नाम पे और डॉक्यूमेंट के नाम पे चालान काटे जा रहे हैं, चालान काटा उसकी रसीद बना के दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का 1 रुपये ले रहे हैं आप, क्या मतलब कुछ साधन समझ नहीं आ रहा साधन क्या है मतलब? आम जनता परेशान है, फिर और पूरी तरह परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं आम जनता की, आम जनता तो आम जनता आप देख रहे थे भोपाल से, आम जनता की हमने मुद्दे की बात उठाई है आज, और भाई आपको मैंने तो जन सुनवाई में शिकायत भी की थी इस बात की, जन सुनवाई शिकायत भी की थी कि आप चलती फिरती गाड़ियों चलान बना रहे हो, जो अवैध रूप से जो पार्किंग है दुकान पे उससे कोई कार्रवाई नहीं करती, साधन क्या है?
तो शासन भोपाल पुलिस से कितने आम जनता परेशान हो चुकी है, कितनी परेशान नहीं है भाई, आपको हम यहाँ की पूरी जानकारी दिखा रहे थे। भोपाल से नीरज की रिपोर्ट, भी सभाकर चौराहा नांद्रा बस स्टैंड के पास से। Right now and press the bell icon. Never miss an update.